इसमें शायद इतना कटिंग का विरोध था एलिवेटेड जगह पे उनार मूलत तो रोड ट्रांसपोर्ट तारपरे हाईवे सिविल एविएशन আমরা এই কয়েকটা যে ডিপার্টমেন্ট সপ্তাহ ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি কৈলাস শহর আমাদের এই কমলপুর থেকে শুরু করে উনি এই একটু আগে বললেন যে রাজ্য সরকার যদি জমি দেয় তাহলে বাকি যে এয়ারপোর্টগুলি উনি চিন্তা করবেন এবং বিশেষ করে কৈলাস শহর আমাদের ভারত সরকার খুব পজিটিভ এবং আজকে আর একটা আমরা আলোচনা করেছি এই আমবাস আমবাস কমলপুর আমবাসা হয়ে গন্ডাসর অমরপুর পর্যন্ত এটা ন্যাশনাল হাইওয়ের জন্য ডিপিআরের কাজ চলছে এবং আমরা আশা রাখছি খুব অতি শিগগির সেটা সেন্সন আমরা পাব এবং এটা খুব গুরুত্ব সহকারে করা হচ্ছে কারণ আমাদের ডুমুর জলাশয়ে একদিকে পর্যটন ক্ষেত্র অন্যদিকে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী আমাদের মহকুমা হওয়ার কারণে এটা নিরাপত্তার দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ তো এইগুলি এবং অন্যান্য যে আমাদের মেডিকেল কলেজ যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমাদের অনুমোদন দিয়েছিল আমি অনুরোধ করেছি ওনাকে তাড়াতাড়ি এই কাজটা দেখার জন্য উনি করে নিয়ে যাবেন এবং যদিও এই বিষয়টা ওনার দপ্তরের না কিন্তু উনি বিষয়টা তুলে ধরবেন তো এইগুলি মোটামুটি আর আমাদের এই যে ন্যাশনাল হাইওয়ে উনি কিছু কিছু পরামর্শ দিয়েছেন যেখানে ল্যান্ডস্লাইড হয় সেখানে যাতে না হয় এবং ড্রেনগুলি যাতে বড় হয় বিশেষ করে রাস্তায় যাতে জল না জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন তো মোটামুটি ওনার দপ্তরের যে সমস্ত কাজ যাতে সময় এবং গুণগত মান রেখে করা হয় সেগুলো কুছ কাম এসা জিসকো হাম সাল কা অন্ত তক খতম করেঙ্গে कुछ काम ऐसा है जो साल जब शुरू हो जाएगा उसका एक महीने के बाद खत्म हमारा कोशिश है कि इस टाइम लाइन से हम पहले खत्म आज काम देखा है आपको पता है त्रिपुरा का एक समस्या रहता है बारिश के दिनों में काम नहीं हो पाता तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस दौरान भी थोड़ा थोड़ा काम करके ताकि जो हमने एक डेड लाइन फिक्स किया उसके अंदर हम सर वो डेडलाइन मतलब और कितने साल या फिर कितने महीने साल नहीं मैं साल का अंत बोल रहा हूँ इस साल का अंत साल क्या सर हमारी कोशिश है कि जनवरी तक हम सब काम करें कुछ कुछ जगह पर कुछ जैसे लैंड स्लाइड होके हो रहा हूँ तो सब जगह लगता पड़ा कोई कच्चा पहाड़ है गिरेगा उसको स्टेबलाइज करने का तरीका है हम लोग उसको स्टेबलाइज सर आप एविएशन के भी मिनिस्टर है रह चुके अभी अभी है तो त्रिपुरा में अगर हम देखें तो त्रिपुरा में सिर्फ एक ही अभी तक हवाई अड्डे है और दूसरे हवाई अड्डे की बात आप हमको जमीन दीजिए हम दूसरा बता नहीं कैलाश शहर कुमारघाट ऐसे तो जगह मानिक बंदर भी है आपका स्टेट सरकार उसको प्रपोज करेगा प्रपोज करने के बाद उसका सर्वे होगा उसके बाद उस पर काम शुरू कर देंगे कोई दिक्कत नहीं सर इंडिया बांग्लादेश के बीच जो हवाई अड्डे जो हवाई ट्रांसपोर्ट का जो यहाँ पे इंतजाम किया गया है उसको लेके अभी क्या दफ्तर ने और कुछ सोचा है आगे जाके देखिए जिस तरह के आज हमारे रिश्ते हैं रिलेशन है बांग्लादेश के साथ दोनों के बीच बहुत मैत्री भी है और दोनों के बीच बहुत कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन भी तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है और हमें पूरी आशा है कि जिस भी चीज को आगे ले जाना चाहते हैं उसमें हमको पूरा सहयोग सर और एक चीज एकदम लास्ट एक सवाल आप हमने सुना है कि 1971 में त्रिपुरा में आए थे तब जनरल और तब एक आर्मी ऑफिसर के अहदे पे आए थे और आज मिनिस्टर के अहदे पे आए हैं तो दोनों में मतलब पूरे त्रिपुरा में डिफरेंस क्या देखने को मिला तब और लड़ाई करने आए थे प्रोग्रेस देख रहे हैं।